अस्सलाम वालेकुम। तो बॉयज़ कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो कि मैं आप लोगों के लिए गाड़ी लेके आया हूँ, लैंड क्रूज़र जो कि 3000 cc है और 5-डोर जो कि है। तो इससे पहले जो कि मैं लेके आया था जो कि 3-डोर थी, मगर अब जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ ये आपके लिए, ये 5-डोर गाड़ी है। तो जहाँ तक इसकी फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट लुक के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ इस गाड़ी के अंदर, तो आपको जो कि गाड़ी टोटली ब्लैक लग रही होगी, मगर ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन कलर में है। इसके अंदर टोटली जो कि पेपरिंग हुई हुई है, और इसके अलावा इसके अंदर जो छोटी मोटी जो कि मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं, तो वो भी मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर इसके फ्रंट लुक के अंदर आ जाएं, तो फ्रंट लुक के अंदर आप देख सकते हैं ये आपको जो कि मिरर मिल जाता है, ये बैक व्यू मिरर, ये एक किस्म का जिस तरह के आपको साइड प्रोफाइल, जो साइड प्रोफाइल के ऊपर इसके इंस्टॉल किए मिल जाते हैं, मगर ये है कि ये आपको फ्रंट के ऊपर नज़र आ जाता है। तो ये भी इसके अंदर ज़्यादा लोग यूज़ तो नहीं करते, मगर फिर भी ये खूबसूरती के लिए लैंड क्रूजर की ये चीज़ इसके अंदर होती है। उसके अलावा अगर इसकी हेडलाइट्स की बात कर लें, तो हेडलाइट्स के अंदर जो कि आपको हाई और लो बीम एक ही जगह पे आपको मिल जाती है, इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आपको टोटली जो कि ये इसकी लाइट्स हैं ये आपको हैलोजन्स के अंदर मिलती हैं। उसके बाद अगर इसके जो कि सेंटर फ्रंट ग्रिल की बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं मैट ब्लैक में आपको मिल जाती है, और इसके अंदर जो कि इसका फ्रंट क्रोम का जो कि बैज होता है टोयोटा का, तो यहाँ पर आपको जो कि ब्लैक में मिलता है, मगर ये वैसे क्रोम में होता है, ये अभी मैट ब्लैक के अंदर किया हुआ है। उसके अंदर अगर आप इसके फ्रंट ग्रिल की तरफ देखें, तो फ्रंट ग्रिल भी आपको जो कि टोटली मैट ब्लैक मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी के जो कि चारों तरफ अगर देखें, तो जितनी भी इसकी ये किट जा रही है, तो टोटली जो कि इसकी मैट ब्लैक के अंदर ही है। तो ओवरऑल अगर इसकी मैं फ्रंट लुक के अंदर भी दिखाऊं, तो ये आपको दिखा रही होंगी, मतलब कि आपको जिस तरह ब्लैक है, मगर ये ब्लैक नहीं है, सिर्फ ग्रीन कलर में इसके अंदर टोटली जो कि पेपरिंग हुई हुई है बस। यहाँ तक इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो साइड प्रोफाइल के अंदर अगर आप सबसे पहले अगर आपकी नज़र पड़ती है, तो इसके अलॉय व्हील्स के अंदर पड़ती है, तो अलॉय व्हील जो कि आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर 275 70 और 16 के अंदर आपको जो कि इसके अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। रिम जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, ये प्री इंस्टॉल हैं जो कि गाड़ी के अंदर पहले से ही बिल्ट इन होते हैं, मगर ये है कि सिर्फ इसके अंदर जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मॉडिफाई किए हैं, मगर इसके अंदर सिर्फ जो कि कलर करवाया है मैट ब्लैक का, जो कि इसकी जो कि खूबसूरती को इसकी गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। उसके अलावा अगर इसकी साइड प्रोफाइल में देखें, तो यहाँ पर आप देखें अगले बम्पर से लेके ये पूरी किट जो कि आपको गाड़ी के चारों तरफ आपको जो कि इसकी किट मिलती है, जो कि इसकी प्रॉपर एक किट होती है। अगर ये उतर जाए, ये उतर नहीं सकती, अगर उतर गई तो बिल्कुल गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, मगर इधर से अभी फिलहाल इंडिकेटर नहीं है। और जहाँ तक इसके जो कि बैक व्यू मिरर की बात करें, तो बैक व्यू मिरर इसके जो कि रिट्रैक्टेबल में मिल जाते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं अंदर से ही, तो इंडिकेटर का ऑप्शन जो कि सिर्फ आपको अंदर मिलता है, इसके अंदर नहीं मिलता आपको जो कि बैक व्यू मिरर है। उसके अलावा इसके जो कि फ्रंट डोर की बात कर लेते हैं, फ्रंट डोर के अंदर आपको ये जो ये डोर हैं ये आपको क्रोम में मिलते हैं, मगर इसके ऊपर भी मैट ब्लैक का जो कि स्प्रे किया गया है, जिस वजह से ये आपको बिल्कुल एक पूरी ब्लैक और हैवी करके डैशिंग वाली इसकी लुक आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो कि एयर प्रेस आपको इंस्टॉल किए मिल जाते हैं, उसके अलावा रूफ रिल्स इसके अंदर जो कि इंस्टॉल किए मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ कि जिस तरह बड़ी गाड़ी होती है, मतलब आपको चढ़ने के अंदर थोड़ी सी तंगी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको फुटरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ताकि आप आसानी से अगर किसी का कद छोटा है, तो यहाँ से पकड़ के और यहाँ से आप इसके ऊपर आराम से चढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको प्रोडक्ट की एक और चीज़ दिखाऊं, जो कि इसका थर्ड रो वाला जो कि शीशा है, ये आपको मतलब गर्मियों में बड़ा अच्छा इसका एक ज़बरदस्त काम है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये अभी फ़िलहाल अंदर से भी खुल जाता है, अगर मतलब गाड़ी का ऐसी काम नहीं कर रहा होता है, तो वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ से आप इसको खोल के जो कि हवा की क्रॉसिंग हो सकती है, बजाय ये कि आप डिग्गी खोलें, ये कि अंदर सफोकेशन वगैरह का वाला सीन नहीं है, इसके अंदर ये कि आप इसको खोल के आराम से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, अगर आप एसी भी नहीं चलाना चाहते। तो जहाँ तक इसकी बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो बैक प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो कि आपको जो कि इसका स्पॉइलर मिल जाता है इंस्टॉल किया हुआ मिल जाता है, बैक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आपको जो कि वाइपर किया इंस्टॉल किया हुआ मिल जाता है, जो कि प्री इंस्टॉल है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अगर लैंड क्रूजर है या प्राडो है, उसकी जो खूबसूरती है, उसके जो कि रेयर के ऊपर जो स्पेयर व्हील लगा हुआ है, वो उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। कुछ गाड़ियाँ होती है जिसके ऊपर कवर किया होता है उसके कवर के साथ, और कुछ के ऊपर शीट के साथ कवर किया, मतलब ये है कि अगर नॉर्मल व्हील लगा हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जीप का मज़ा तब भी आता है कि अगर उसके पीछे जो कि स्पेयर व्हील लगा हुआ हो। उसके अलावा अगर इसकी बैक लाइट्स की बात कर लें, तो बैक लाइट देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो कि इसके हैलोजन के अंदर इसके इंडिकेटर मिल जाते हैं, रिवर्स की लाइट्स इधर मिल जाती है, और ये आपको जो कि एलईडी के अंदर इसकी बैक लैंप का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल अगर इसकी बैक से भी हाइट की देखें, तो मेरे ख्याल में ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बनी तो ऑफ रोडिंग के लिए ही है, मगर यह है कि छोटे मोटे जंप इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने देते। और चलते हैं इसकी अगर बूट स्पेस की तरफ, तो बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह की 7 सीटर है, तो इसकी मैं आपको स्पेस दिखाऊं, तो ये देख सकते हैं आप अगर इसकी बूट स्पेस के अंदर भी, तो ये अगर आप इसकी जो कि सीट्स हैं बैक वाली, इसको फोल्ड कर देंगे, तो आपके पास एक डिग्गी की मतलब सूरत बन जाएगी। अगर इसको मतलब अगर ज़्यादा हैं बंदे हैं, और अगर आपके पास स्पेस आगे कम पड़ रही है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में इसको आप नीचे खोल के इसके लिए जो कि 7 सीटर इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी ये इसके बैक जो कि रेयर साइड की बूट की स्पेस भी मैंने आपको दिखा दी है, और जो इसके स्पेयर व्हील है वो आपको जो कि आपको इसके जो कि रेयर जो कि है डोर इसके ऊपर आपको मिल जाता है, क्योंकि इसके नीचे तो यहाँ रखने की जगह नहीं है कि इजीली यहाँ पे आप खोल के इसको फिट भी कर सकते हैं, दोबारा लगा भी सकते हैं।
जहाँ तक इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं, इंटीरियर इसका आप देख सकते हैं आपको जो कि डार्क ग्रे में मिलता है। उसके अलावा अगर इसके इंटीरियर के अंदर आप देखें, इसके सेंट्रल जो कि यूनिट है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो कि इसके स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो कि फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विद एयरबैग। और अगर राइट साइड पे देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक एयरबैग यहाँ पे मिल जाती है, बैक व्यू मिरर की जो कि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट मिल जाती है। इसके अलावा जहाँ तक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, तो राइट साइड पे आपको जो कि इसकी हीट की गेज, उसके बाद यहाँ पे इसके जो कि स्पीडोमीटर हो गया, इसके स्पीडोमीटर के अंदर यहाँ आरपीएम मीटर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस गाड़ी जो कि कौन सी गियर में गेज है। लेफ्ट साइड पे आपको जो कि स्पीडोमीटर और यहाँ पे आपको इसकी फ्यूल की जो कि गेज मिल जाती है। इसके अलावा अगर इसके सेंटर में देखें तो यहाँ पे आपको जो कि कंपास के और बाकी जितने छोटे मोटे ऑप्शन है वो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो कि इसकी क्लॉक का ऑप्शन, नीचे यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं जो कि आपको एंटीना का ऑप्शन मिल जाता है जो कि इसके फ्रंट पिलर में से मिलता है। जहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे अगर आप इसके गियर नॉब की तरफ चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर व्हील ड्राइव के लिए आपको और टू व्हील ड्राइव के लिए आपको यहाँ से इसके सारे कंट्रोल मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पावर मोड और सेकंड, ये सारे आपको इसके पावर के मोड मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक देख सकते हैं जिस तरह आपको जो कि अपने ज़माने की गाड़ी के हैं वो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट की बात कर लेते हैं, तो आर्म रेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको छोटा कैबिन यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको मैं नीचे दिखाऊँ, यहाँ पर आपको बड़ा कैबिन का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर यहाँ पर देखें आपको इसके जो ग्लव बॉक्स स्पेस देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाती है। मगर जिस तरह गाड़ी बड़ी है मुझे थोड़ी सी ऐसे लगता था कि कम थी, मगर पहले ज़माने की बातें थी तो शायद कुछ और होगा। बाकी यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केट इसके अंदर जो कि पैनल इंस्टॉल किया हुआ मिल जाता है। उसके अलावा एक और मज़े की चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसके सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरे ख्याल में कि हर गाड़ी में होना चाहिए। आपको तो मेरे ख्याल में सिर्फ जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं सेडान वगैरह उन्हीं के अंदर ही है जो कि 4x4 है उनके अंदर ही है, तो उस वक्त के अंदर ये चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ तक इसकी टेस्ट ड्राइव की बात कर लेते हैं, और इसके अलावा जो कि इसकी मैं इंजन की आवाज़ वगैरह आपको सुनवा देता हूँ, तो ये भी आपको पिक वगैरह इसके अंदर चेक करवा देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ तक ज़्यादा बड़ा राउंड नहीं लगाएंगे, तो ज़्यादा इसको मतलब छोटा से लगाएंगे, नज़दीक से आपको इसके अंदर मेरे ख्याल में अमूमन पता लग ही जाएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं स्टार्ट, तो ये हो गया यहाँ से स्टार्ट, और तो ये थी इसकी टेस्ट ड्राइव जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया इसका साउंड वगैरह भी आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया मैंने, क्योंकि ज़्यादा पट्टी नहीं मारी मैंने, छोटी सी ट्रैक छोटा सा किया था। आज का रिव्यू जिसके अंदर मैंने आपको इसके जो कि ड्राइव करके दिखाई, उसके अलावा इसके जो कि फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो इसकी जहाँ तक फ्यूल एवरेज की बात कर लेते हैं, तो फ्यूल एवरेज मेरे ख्याल में आपको जो कि सिटी के अंदर देती है ये 8-9 की एवरेज जो कि आपको सिटी के अंदर देती है, लॉन्ग के ऊपर आपको 10-11 की एवरेज दे देती है अगर इसको प्यार से चलाएं तो। तो अगर उसके अलावा इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो आपको बिल्कुल नॉर्मल प्राइस के अंदर जो कि मिल जाती है, ये कि आप अगर लग्जरी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल में एक बेस्ट ऑप्शन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा।